एक बार फिर किसान आ गए बॉर्डर पे, उरी बाप रे बाप, एकदम बढ़े चले आ रहे हैं लोग, तो ये कह रहे हैं कि 6-6 महीने का राशन लेके आ रहा है, मतलब इनको 5 किलो वाला राशन नहीं चाहिए, ये अपना बड़े बड़े बोरियां भर के ले आ रहे हैं, चावल दाल गेहूँ जो जरूरत की चीज़ें होगी, साग सब्जी खेतों में लगा देंगे, सड़क के किनारे लगा लेंगे, पानी ट्रैक्टर क्या नहीं है इनके पास, और ये बड़े बड़े अमीर लोग हैं महलों में चल रहने वाले, हवाई जहाज पे उड़ने वाले, वो आ रहे हैं दिल्ली को घेरने, पता नहीं दिल्ली में आतंक फैला देंगे, चारों ओर चक्का जाम कर देंगे, शहर को अस्त व्यस्त कर देंगे, गरीबों का थाली महंगा करा देंगे, और ये बाप रे बाप इतना भयंकर। लेकिन सरकार भी कम नहीं है, नहीं आने देंगे किसी को, पंजाब में आ गए तो क्या, जरा हरियाणा बॉर्डर क्रॉस करके देख तो ले, सर पर ऐसे ऐसे कीले बिछाई गई है, लाखों हजारों रुपये खर्च किए गए हैं, इतने बड़े बड़े कील लगाए गए हैं कि किसानों की ट्रैक्टर क्या दुश्मन के भी बड़े बड़े गाड़ियाँ उसको उसमें फंस जाएगी और फेल हो जाएगी, बड़ी शिद्दत से नदियों को खोद दिया गया है, बड़े बड़े गड्ढे बना दिए गए हैं, ऐसे ऐसे गड्ढे 20 फीट गड्ढे 30 फीट गड्ढे, ट्रैक्टर गिरेगा तो पता नहीं चलेगा, पूरी तैयारी कर रखा है दुश्मनों से लड़ने के लिए, देश का किसान तो दुश्मन ही ना है, है? मोदी सरकार का दुश्मन बताओ, जो किसान पूरे देश के लिए अन्न उगाता है, जिस किसान के बल पे ये राजनीति के अपने कुर्ता चमकाते हैं, जो किसान इस देश का पेट भरता है, उसके लिए ये सब है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, कितना घटिया सोच है, जिसके बलबूते पे जीते हो, राजनीति करते हो, अरे कहना क्या चाहते हो, आखिर सरकार लोग क्यों बनाते हैं, क्या हमें चाहिए ऐसे नुमाइंदे जो हमारी बात नहीं सुने, हम पे गलत आरोप, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, पेट भरने के लिए, अपना पेट भरने के लिए देश को बेच रहे हैं, देश की जमीने को बेच रहे हैं, और जब इससे सवाल पूछा जाए तो सवाल पूछने वाले देशद्रोही और आतंकी हो। सही पकड़े हैं। यही है मोदी सरकार का आइडिया, यही है अमृतकाल, और यही है नया भारत आपके सामने। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कि 3.5 सालों से ये सरकार आपको लूट रही है, ये बनी ही, इसकी शुरुआत ही गलत तरीके से हुई, विधायकों को खरीद के दूसरी सरकार को तोड़ के ये सरकार बनाई गई। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो।